Assalamualaikum. This is Ifat Umar and you're watching me on All Power Drama page. Hi Ifat, thank you for being here and giving this interview. My pleasure. Starting off with our first question, how has marriage been so far and how has it changed you as a person? It just completed me. I always wanted to get married. मैं वो वाला बच्चा था जिसको बचपन से बड़ा होके ना शादी करने का शौक था. So Umar and I knew each other before or we were best friends. Our best friends are इकट्ठे रहते हैं, so life is good. Should we expect to see you in film soon? Yeah, you are going to see me soon in a film. I'm doing this film called Half Right, जिसमें यासर हुसैन और इकरा हैं और पंजाबी औरत का मैं कैरेक्टर कर रही हूँ. So let's see. Looking forward to it. Recently, the Bollywood superstar Shah Rukh Khan wished you a good luck for your talk show, Say It All with Ifat Umar. According to you, what could both countries gain from a collaboration between their media industries? यार अब ये question तो थोड़ा सा आजकल ना पूछने वाला है. बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता भी, लेकिन सबसे पहले हालात ठीक होने की बात है. कश्मीर इशू एक ऐसा इशू है कि इसके होते हुए हम इस बारे में कोई बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल में उनका जो गम है, जो जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे, आई गेस ये क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट. देयर आर अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट सेंसरशिप. हाउ फार शुड वी बी सेंसरिंग मीडिया? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सपोजिंग अ यंग माइंड ऑफ एज इनअप्रोप्रिएट इन्फो? आई थिंक आप मीडिया पे आप कोई चीज़ रोक सकते ही नहीं हो. आप अपने घर में रोक लोगे तो सोशल मीडिया और इतनी सारी चीज़ें बच्चे के हाथ में फ़ोन दे के आपने पकड़ा दी. आई गेस गाइडेंस की ज़रूरत है, एज लिमिट की प्रोग्राम में ज़रूरत है और बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करने की भी ज़रूरत है. आई एम सॉरी लेकिन मैं सेंसरशिप के बहुत खिलाफ हूँ. आप उसके ऊपर पेरेंटल गाइडेंस बिठा दें, आप एज लिमिट रख लें, लेकिन आपको हर किस्म की चीज़ दिखानी है. आप भी दिखाएंगे, दुनिया में लोग दिखा रहे हैं, आपकी चीज़ लोग भी देखेंगे, लोग वो चीज़ देखेंगे. तो सेंसरशिप चाहे खबरों पे हो, चाहे आपके क्रिएटिविटी पे हो, आई एम अगेंस्ट इट. इट इज ऑफन सेड दैट एज अ होस्ट एक्ट्रेस फेल टू यूटिलाइज देयर पोटेंशियल. हाउ फार इज दिस ट्रू? आई डिडंट गेट यू. It is often said that as a host, actresses fail to utilize their potential. How far this is true? Actresses as a host? I don't think so. It depends आपके अंदर talent कौन सा है. कुछ लोग acting के साथ और बहुत कुछ कर लेते हैं, कुछ लोग acting के साथ hosting भी कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं. So it depends आपके अंदर कौन सा talent है. बहुत सारे actors गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, I can't. बहुत सारे actors हैं dance बहुत अच्छा कर लेते हैं, I can't. But I can most, I think so, I'm trying. Tough times have changed, but when you started, people used to look down upon acting as a profession for women. How do you pave your way into the industry and how difficult was it for you? It was difficult. पहले तो अपने घर वालों को कन्विंस करना, फिर अपने एक्टिव के लोगों को कन्विंस करना कि नहीं नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ. एक प्री कंसीव नोशन कि अब शोबिज में जो भी आता है वो तो एक फास्ट गर्ल होगी. सारी ज़िंदगी यही प्रूव करते रहते, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, जैसे बाकी लोग होते हैं वैसे ही मैं हूँ. यस इट वॉज डिफिकल्ट एंड आई एम श्योर एंड आई रियली होप कि अब ये चीज़ें बदल गई हों. अगेन मैंने बात बहुत पहले भी बहुत दफ़ा कही और मैं दोबारा कह रही हूँ, लाइक एनी अदर प्रोफेशन इट्स अ प्रोफेशन. और हम लोग जाके अपनी नौकरी करते हैं, अपनी एक्टिंग करते हैं, अपना काम करते हैं, वापस घरों में आ जाते हैं. जैसे एक डॉक्टर हॉस्पिटल जाके घर आ जाता है, पायलट ट्रास उड़ा के घर आ जाता है, सारे काम कर रहे हैं एंड इट्स अ प्रोफेशन फॉर मी. हाउ इम्पोर्टेंट आर पाकिस्तानी अवार्ड्स इन एन एक्टर्स करियर? Unfortunately, I don't think so. अभी तक किसी अवार्ड ने, हालांकि मुझे अवार्ड मिल चुका है, मुझे हम का बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक अवार्ड मिला हुआ है, जिसको मैं बहुत खुशी से मैंने लिया और मुझे बहुत खुशी भी है मुझे मिला है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो आपको हम इंडस्ट्री में, हमें पता है कि ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि कोई कैंपेन है जो खास लड़की ने या लड़के ने आगे जाके करनी है. अभी तक क्राइटेरिया समझ नहीं आया मुझे कि आप
आपको सुपर हिट मूवी पे अवार्ड मिलता है या आपको आपकी परफॉर्मेंस पे अवार्ड मिलता है या आपको व्यूअरशिप पे अवार्ड मिलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन चले एक फंक्शन होता है, सारी इंडस्ट्री वहाँ इकट्ठी होती है, कुछ लोग खुश होके जाते हैं, कुछ लोग ना खुश होके जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से लगेगा कि ये ऑथेंटिक हमें लगना शुरू हो जाएगी। ओ यस, ये अवार्ड मिला है तो बाकी इसमें कुछ बात होगी। तो सो ये अवार्ड मिला, व्हाट्स मिसिंग इन आवर इंडस्ट्री फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? शाहरुख खान, जस्ट जोकिंग, हमारी इंडस्ट्री बस अभी ग्रो कर रही है। अभी आई गेस के जो इंटरनेशनली जो काम हो रहा है उसको मैच करने के लिए हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन वी आर गेटिंग देयर। और मुझे यंग बच्चों से बहुत उम्मीद है और यंग लोग बहुत काम कर रहे हैं और मुझे यंग लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत सीखने को मिलता है और मुझे उनसे बहुत सारी होप्स हैं। दिस वन इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, बट You shared a picture of you holding a sanitary napkin in yes. Pakistan. Yes. Social media went nuts. Yes. So how many people were hugely critical of you? Yeah. How dare she? And bad Muslim and etc. मैं Insta पे लोगों की जवान बच्चों को देख देख के मैंने भी Insta पे काम बना लिया। अभी मेरे कोई 30,000-35,000 followers थे तब, और मेरी तस्वीरों पे 600-700,000 लाइक्स आ जाती थी। मैंने ये तस्वीर लगाई तो मेरी एक पोस्ट के ऊपर 4,000 कमेंट्स थे और 4,000 कमेंट्स में सिर्फ मुझे गालियाँ दी गई, सिर्फ एक सैनिटरी नैपकिन पकड़ने से। अगर हम सैनिटरी नैपकिन को देख के इतने तैश में आ जाते हैं तो मुझे बताएं कि गांव में मोहल्लों में बच्चियाँ यूज़ कैसे करेंगी, उनकी वो एक्सेस कैसे करेंगी। नोबडी हैज आइडिया कि कितने लोगों, कितनी बच्चियों को इससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ये उनकी हाइजीन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है। उन दिनों इंडिया में वो फिल्म बनी थी और वहाँ पे इसकी अवेयरनेस कैंपेन चली थी, एंड जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि यार इट्स जस्ट अ सैनिटरी नैपकिन, ये हर महीने हर लड़की, आपकी माँ ने भी यूज़ की होगा, आपकी बहन ने भी यूज़ किया होगा, इससे शर्माने की कोई बात नहीं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद सेक्स, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जिसमें ये चीज़ एक यूज़ होती है। और खुदा के लिए लड़कियों के लिए इसको टैबू बनाना बंद करें ताकि वो उसे यूज़ करें और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर सके। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस सो फार एज अ होस्ट, हु इज़ योर फेवरेट गेस्ट? अभी तक तो मैंने जो अपना नया शो शुरू किया से इट ऑल विद उमर, उसमें तो मेरे सारे अभी तक फेवरेट आए हैं, लेकिन मैं पिछले 12 साल से PTV के लिए प्रोग्राम कर रही हूँ विरसा हेरिटेज वर्ल्डवाइड, जिसमें हम क्लासिकल सिंगर्स को, नयों को भी और पुरानों को भी बुलाते हैं। दैट इज़ अगेन वन ऑफ माय मोस्ट डियरेस्ट वर्क फॉर मी, और सेट ऑल के सारे गेस्ट मेरे फेवरेट हैं, बट आई विश के बहुत जल्द मेरा प्रोग्राम स्टेज पर पहुँच जाए और आई कैन इंटरव्यू बिलावल, मरियम अली। Thank you so much, Iffat, for being here with us and for your time. My pleasure, always.